भारत पर झूठे आरोप लगाकर कनाडा खुद तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ तीन चार देशों को भी ले डूबा। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश कनाडा के साथ आकर खड़े हो गए, मगर अब सबके सब मारे गए हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पूरे कनाडा समेत पश्चिमी देशों को फंसा दिया है। भारत के खतरनाक रुख के बाद घबराहट में कनाडा ने सच उगल दिया है। जस्टिन ट्रूडो और पन्नू ने जो बयान दिया है वो कनाडा को आतंकी देश साबित करने के लिए काफी है। ट्रूडो और पन्नू का बयान सुन कनाडा के लोगों का कहना है कि या तो ये दोनों कोई नशा करते हैं या दोनों ही बेहद बेवकूफ हैं। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो एक्यूज उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। जो हिंदुस्तानी है वो कह रहे हैं हम कनाडा में घुस के मारा है हम इन खालिस्तानियों को और आगे भी घुस कर मारेंगे, ये वाला एटीट्यूड है। हिंदुस्तान किस तरीके से एक मेजर फोर्स बन के इमर्ज हुआ है कि वो अब तकरीबन अमरीका के सगे छोटे भाई को सीधी आंखें दिखा रहा है और उनके पास उसका कोई हल नहीं। फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर यही एक सेपरेटिज्म की मूवमेंट जो कनाडा में फ्रेंच लोग चला रहे हैं जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबेकॉइस, उसका समर्थन हमने करवाना शुरू कर दिया है। अगर जस्टिन ट्रूडो मान लीजिए भारत में सेपरेटिज्म खालिस्तान के को समर्थन कर रहा था और कर रहा है, तो हमने भी वही चीज कनाडा में जाकर एक प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने तो इस बार स्वीकार कर लिया कि उनके पास उनके कही गई बात का एक भी सबूत नहीं है और इसलिए कनाडा पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और अब बेइज्जत हो रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज जो हमने सुना वो केवल उस बात की पुष्टि करता है कि हम लगातार कहते आए हैं कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत पेश नहीं किया है। या निजर की असैसिनेशन में पिछले साल, तो उस वक्त इंटेलिजेंस हमारे पास वीक इंटेलिजेंस थी रादर देन कि हमारे पास डेफिनेट प्रूफ होते, ठीक है जी। उसके उनके उसके जो लफ्ज हैं ये जारी बात है, इसको एमईए जो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको उठा ली और उन्हें पकड़ लिया। अब देखें, इंडियन मीडिया को तो एक लफ्ज चाहिए था, एक लफ्ज चाहिए था, उन्होंने उस लफ्ज को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था ही नहीं, इसका मतलब है कि आपने वारदात के आपने पहले एक इंसिडेंट हुआ, आप हमने इल्जाम लगाया, आपके पास सबूत नहीं थे, आपने पहले ही हमें इल्जाम लगा दिया, आप पहले सबूत तो इकट्ठे कर लेते फिर आप इल्जाम रही है। प्रूफ नहीं दे पाए, पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चार बंदे बैठे थे कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। भारत पर झूठे आरोप लगाकर कनाडा खुद तो डूबा ही, अपने साथ अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी कनाडा के समर्थन के कारण मुंह की खानी पड़ी। भारत के सख्त तेवर दिखाकर कनाडा की सरकार बैकफुट पर है। कनाडा के लोग कह रहे हैं कि ट्रूडो के साथ समझ की कमी है, भारत के खिलाफ बयान देना ऐसे नहीं चाहिए, कनाडा को खालिस्तानियों का साथ नहीं देना चाहिए। खालिस्तानी लोग कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ अलग देश की मांग के लिए एक मूवमेंट चला रहे हैं, इसमें वो पंजाब को खालिस्तान कहकर भारत से अलग देश बनाना चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि कनाडा में जो भी सबूत दिए हैं भारतीय अधिकारियों के खिलाफ वो अपर्याप्त है। कनाडा कुछ समय पहले कुछ खालिस्तानी लीडरों की हत्या हुई थी कनाडा में, जिसमें निजर समेत कई खालिस्तानी आतंकी थे, उनका आरोप भारत सरकार के अधिकारियों पर लगाया गया था। भारत सरकार ने कनाडा के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनके राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा है और अपने राजनयिक कनाडा से वापस बुला लिए हैं। ट्रूडो की पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि भारत से किसी प्रकार के संबंध बिगड़े। काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अब इकट्ठा हो रहे हैं, उसी की लिबरल पार्टी से, जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इकट्ठा हो रहे हैं। कॉमन सिटीजन तो ही नहीं कह रहे, अब इसका टाइम है जाने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पागल के बच्चे को नीचे उतार के किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कम से कम भारत के साथ वो रिश्ते। ट्रूडो की पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन कर दो, इससे पहले भी हमारी बात हुई थी शोएब इस बारे में, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो रिजाइन करो,
अब इनकी औकात है नहीं। जस्टिन ट्रूडो जो अपनी कोलिजन गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए हैं पिछले एक साल से, और ड्रामेबाजी के चक्कर में कनाडा का हाल से बेहाल हो गया है। ट्रूडो ने जितनी भी बातें की हैं, तो मिस्टर ट्रूडो या तो लड़ाई कर ले, मतलब मेरा ये ख्याल है कि देखें या तो लड़ाई कर ले, और या फिर ये कहें कि नहीं ये जो हो रहा है तो क्योंकि हमारे इतने रिलेशंस ऐसे हैं तो हम इसको जो है वो इस लेवल तक नहीं ले जा सकते कि हम बार बार डिप्लोमेट्स एक्सपेल करें और अपनी लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाएं। क्योंकि देखिए जब लड़ाई होती है ना तो लड़ाई या तो लड़ाई है या फिर लड़ाई नहीं है। साबित उनकी अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी के कुछ सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा। जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, और वो सिर्फ कहता नहीं उसके एक्शन भी बताते हैं। अब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था? बेसिकली वो बिलीव करते हैं उन न्यूट्रल सपोर्ट की अपील की, वो कौन कौन से? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के। किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए, तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर तानी हो या कोई भी सेपरेटिस्ट हो, मोदी रेजिम और बीजेपी गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए इस तरह के डिसिडेंट्स को नैप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा हुए हैं। कनेडियन ऑपोजिशन ये जस्टिन ट्रूडो को इशारा करी है कि जिन लोगों को इंडियन ऑपरेटर्स ने टारगेट किया है वो बेसिकली टेररिस्ट। पिछले लगभग 3 से 4 सालों से भारत के अंदर पंजाब में एक सेशनिज्म सेपरेटिज्म की मूवमेंट, खालिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है। तो भारत ने सबसे पहले अपने फ्रेंच भाई बहनों के साथ मिलकर, फ्रांस की सरकार के साथ मिलकर यही एक सेपरेटिज्म की मूवमेंट जो कनाडा में फ्रेंच लोग चला रहे हैं जिसका नाम है ब्लॉक क्यूबेकॉइस। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को, सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।